हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको मोटापा कम करने के लिए अजवाइन का पानी किस तरह मदद करता है या कारगर है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। मोटापा आजकल के समय में सबसे बड़ी समस्या बन गया है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा ही टॉपिक व देसी नुस्खा लाए हैं, अजवाइन का पानी पिए और 15 दिनों में मोटापा घटाएं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अजवाइन के पानी को खाली पेट पीने से भी मोटापा कम किया जा सकता है। अजवाइन का प्रयोग मसाले के रूप में ही किया जाता है। अगर हमारे पेट में दर्द हो या कोई गैस प्रॉब्लम हो तो अजवाइन का सेवन करने से ये बीमारी दूर हो जाती है। इसके अलावा कई और अनेक शारीरिक बीमारी को दूर करने में भी अजवाइन का प्रयोग किया जाता है। अजवाइन को पेट के लिए एक रामबाण औषधि माना गया है। अजवाइन कई पोषक तत्वों से भरा हुआ है। इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज, कैल्शियम, फॉस्फोरस होते हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर व कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अधिक मात्रा में होता है। अजवाइन का सेवन अगर खाना खाने के बाद किया जाए तो इसके सेवन से हमारा खाना हजम हो जाता है और हमारे पाचन तंत्र को भी सुचारू रूप से चलने में भी अजवाइन मदद करती है। इस बात पर बहुत ही कम लोग विश्वास रखते हैं कि अजवाइन के पानी से भी मोटापे को कम किया जा सकता है, पर हाँ, आप विश्वास करें कि ऐसा संभव है, और वह भी सिर्फ अजवाइन का पानी से। आप सिर्फ इसका 15 दिनों तक सुबह खाली पेट सेवन करें और खुद ही इसका एक बेहतर रिजल्ट देखेंगे कि आपके शरीर का फैट बर्न हो गया है। क्योंकि अजवाइन का पानी पीने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिसकी वजह से शरीर की चर्बी घटनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कई लोगों को सिर्फ यही पता है कि सुबह खाली पेट नींबू को गर्म पानी के साथ पीने से वजन कम होता है, परंतु वे लोग ये नहीं जानते कि नींबू पानी सिर्फ हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, वजन को नहीं। परंतु अब हम आपको बता चुके हैं कि अगर मोटापे से परेशान हैं तो आप कुछ दिनों तक अजवाइन के पानी को खाली पेट सेवन करने से कैसे आप मोटापा कम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक गिलास पानी में 2 चम्मच अजवाइन डाल के रात को रखना है और सुबह उठते ही खाली पेट उस पानी को पीना है। 15 दिन तक रेगुलर ऐसा करने से आपका वजन कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको मोटापा कम करने के लिए किस तरह अजवाइन का पानी इस्तेमाल करना चाहिए बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।